हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। 45 डेज क्रैश कोर्स इन बायोलॉजी हमने शुरू किया है ताकि आपका सारा का सारा सिलेबस का रिवीजन हो जाए और बहुत कम शॉर्ट टाइम के अंदर आपको एटलीस्ट पता चल जाए कि कौन कौन से टॉपिक है और किन किन एरियाज़ के ऊपर फोकस करना है। क्योंकि होता यह है कि जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो कभी कभी कोई ना कोई टॉपिक आपके माइंड से स्लिप हो जाता है कि इस टॉपिक को करना है कि नहीं, तो उन सारे टॉपिक्स को एक बार रीआइटरेट कराना बहुत ज़रूरी है। तो फिफ्थ डे इन बायोलॉजी, तो 5 दिनों में आपने देखा ही होगा कि काफ़ी सारा रिवीजन आपका ऑलरेडी हो चुका है और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 11th का। हमने लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट कर लिया है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन थोड़ा बड़ा चैप्टर है तो पार्ट 1 आज करेंगे। आगे फिर इसको सेकंड पार्ट या ज़रूरत पड़ी तो थर्ड पार्ट में भी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि पूरे के पूरे चैप्टर से कई क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। एक बार क्विकली मैं देख लेता हूँ कौन कौन से बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं आज। वाहिद, नेहा, सनी, रशिका, अलीना, अजय, ऋतिक, अत्या, अनस, सैंड्रा, उमर, स्वागत है बच्चों आप सभी का। अफान, चेतन, रूपाली, तनु, तुषार, रशिका, अंकित, तो काफ़ी सारे बच्चे आ चुके हैं। अश्मि, ओके, एंड क्रिश, अलीना, शाही, मलाइका, चलिए बच्चों, हर्ष, स्वागत है बच्चों आप सभी का आज के इस सेशन में। और लाइक्स का टारगेट 1000 आज के इस सेशन में, तो जो भी बच्चे सेशन के साथ जुड़े लाइक्स का ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए बच्चों शुरू कर देते हैं इस सेशन को और समझ लेते हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है, कितने ग्रुप्स में डिवाइड करना है। तो देख लीजिए ये बर्ड, सो अगर एक बार हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसको कहाँ पर प्लेस करना है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि क्या क्या है इस चैप्टर में। नाउ फॉर ऑल दो स्टूडेंट जो पहली बार आज इस सेशन के साथ जुड़े हैं, मेरे सेशन के साथ जुड़े हैं, माय नेम इज़ प्रदीप सिंह, माय एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टॉट, एवरीथिंग इज़ इन फ्रंट ऑफ यू बच्चों। और मैं हमेशा कहता हूँ कि ये सारी की सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं, प्राइमरी हैं तो सिर्फ आप हैं, राइट। मेरे सेशंस पसंद अगर आते हैं, जो कि आते हैं, तो शेयर कर दिया करिए #NEET Live Daily के थ्रू अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, ताकि इस रेवोल्यूशन के बारे में हर एक बच्चे को पता चल सके। हमारी कंट्री भी एक थोड़े से संकट के दौर से तो ज़रूर गुजर रही है, लेकिन हमने ठान रखी है कि आपकी एजुकेशनल परस्यूट कहीं पर भी रुकनी नहीं चाहिए, जारी रखते हैं इस क्रम को। तो बच्चों आप हमारे साथ टेलीग्राम ऐप के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको सारे के सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो टेलीग्राम ऐप कुछ इस तरह से दिखता है। करना क्या है, गो टू गूगल एनी ब्राउजर एंड टाइप tinyurl.com/NEET Live Chat और आप जुड़ जाएंगे इस ग्रुप के साथ, आपको सारे के सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। और अगर कोई सेशन आपका कभी मिस हो गया या बैक जा करके चेक करना है तो यूज़ करिए दिस फीचर tinyurl.com/NEET Mobile। आप स्ट्रेट अवे डायरेक्टेड हो जाएंगे इस तरह के पेज पे, जहाँ पर बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारे के सारे लेक्चर वाइज, चैप्टर वाइज आपको डिस्कोर्स दिया हुआ है, यहाँ से आप लेक्चर एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा डायरेक्ट PDF नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, सो इट्स अ बेस्ट फीचर। नाउ बात करते हैं इंडिया के बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के साथ। यहाँ पर होंगी लाइव क्लासेस बेस्ट एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री, सिर्फ इतना ही नहीं, द एजुकेटर्स ऑफ योर चॉइस, आप अपनी मनपसंद एजुकेटर्स के साथ पढ़ सकते हैं, यू कैन इंटरेक्ट विद द एजुकेटर्स। इसके अलावा लाइव पोल एंड लीडर बोर्ड के थ्रू आप देख सकते हैं आपके क्वेश्चंस सही हैं या गलत हैं। टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस के माध्यम से आप अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रांग कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, यहां पर आप अपने सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, जो कि हमेशा आते ही हैं जब आप पढ़ाई करते हैं। हमारा एक बैच स्टार्ट हो चुका है फॉर NEET 2021, यू कैन हैव अ लुक। सो दिस इज द टीम जो आपको पढ़ाएगी इस बैच में, सैटरडे एंड संडे में, बिना आपके किसी एग्जिस्टिंग स्केड्यूल को डिस्टर्ब किए आप इसके साथ जुड़ सकते हैं, राइट। बाकी के कोर्सेज कुछ इस तरह से चल रहे हैं, इसके अलावा 50-60 अदर कोर्सेज आर ऑलरेडी रनिंग। तो करना क्या है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर पर जा करके सबसे पहले कर लीजिए इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद आपको आएंगे ऑप्शन प्लस, सिलेक्ट करिए प्लस, इसके बाद नीट और फिर सिलेक्ट करिए गेट सब्सक्रिप्शन और आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहां पर आप अपनी जरूरत के हिसाब से सब्सक्रिप्शन को चूज कर सकते हैं और यूज करिए कोड प्रदीप लाइव अगर आपको मेरे सेशंस पसंद आते हैं। इस कोड को यूज करते ही आप बाकी सारे एजुकेटर्स के कोर्सेज भी एक्सेस कर पाएंगे।
प्रदीप लाइव यू विल गेट 10% डिस्काउंट। ओके बच्चों, तो शुरू कर देते हैं सेशन को बिना किसी विलंब के। लेट अस स्टार्ट क्लासिफिकेशन, और वो भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देख लीजिए बच्चों, ये कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपको अपने आसपास दिखाई देते हैं। अगर घर के आसपास ना भी दिखाई दें तो जू में चले जाइए, दिख जाएंगे। बॉटनिकल गार्डन में चले जाइए, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े पक्षी आपको वहाँ भी दिख जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन है कि क्या इतने ही ऑर्गेनिजम्स हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये तो एक जस्ट छोटा सा एक एग्जाम्पल है कि दीज आर सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। लिविंग वर्ल्ड में हमने पढ़ा हुआ है कि 17 लाख से लेकर के 18 लाख ऑर्गेनिजम्स का नामकरण हो चुका है, और कई लाख तो अभी ऐसे ही पड़े हैं जिनके बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है। अब आप एक सिंपल सी बात बताइए, क्या इन सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ाई करना किसी भी इंसान के बस की बात है? नहीं है। तो क्या करना है? इनको एक्चुअली अलग अलग ग्रुप्स में अगर हम डिवाइड कर दें तो स्टडी आसान हो जाती है। तो अगर आप अपने सराउंडिंग में इस तरह के ऑर्गेनिजम्स देखते हैं बहुत सारे, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं किसको कहाँ रखें। ग्रुपिंग बहुत ज़रूरी है। देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर आपको ग्रुपिंग दिखा दी कि ये जो हैं इंसेक्ट्स हैं इनको इधर रख दीजिए, अलग एक ग्रुप बना दीजिए। ये बर्ड्स हैं इनको इस ग्रुप में रख दीजिए, यानी कि इनमें इनकी ग्रुप के रिलेटेड सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस भी होंगे। और ये एनिमल्स हैं इनको इधर रख दीजिए। अब एनिमल के अंदर फिर फर्दर क्लासिफिकेशन है कि कौन सा एनिमल हर्बीवोर है, कौन सा कार्निवोर है, यानी कि ग्रुपिंग बहुत जरूरी है। तो दैट इज द एम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहला डेफिनेशन देख लेते हैं। ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। यही तो है क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप करना। तो क्या ये एकदम से हो गया या कुछ स्टेजेस के थ्रू हुआ है, इसको देखना बहुत जरूरी है। नाउ पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन करना क्यों है? ईजी आइडेंटिटी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक बार आपने क्लासिफिकेशन ट्रेंड देख लिया तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे। स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इजी एंड कन्वीनियंट, आसान हो जाता है ऑर्गेनिज्म्स की स्टडी करना। और इट हेल्प्स टू एस्टैब्लिश इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। यानी कि ट्रू क्लासिफिकेशन तो वो वही है जो हमें आईना दिखा दे कि कौन किससे जुड़ा हुआ है। अगर कोई हमें कहे कि ह्यूमंस आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू चिंपैंजी कंपेयर टू एलिफेंट, तो आप ये बात अब मानेंगे क्योंकि हम जान चुके हैं कि वो प्राइमेट्स हैं और हमारे नज़दीकी रिश्तेदार हैं कंपेयर टू दैट एलिफेंट। चाहे जितना हट्टा कट्टा मोटा इंसान हो, लेकिन उसको हम कंपेयर नज़दीकी चिंपैंजी के साथ कर सकते हैं, एलिफेंट के साथ बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हाँ, चिढ़ाने के लिए ज़रूर कह सकते हैं। सो नाउ यू अंडरस्टूड कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का पता चल जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन जब क्लासिफिकेशन शुरू हुआ था तो ये फैक्टर मिसिंग था। आज के क्लासिफिकेशन में हमने इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को बहुत तवज्जो दी है, और किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे जानेंगे तो उसके रिलेशनशिप के बारे में जान जाएंगे। देखते हैं शुरुआत किसने करी। एरिस्टोटल। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम वॉज गिवन बाई एरिस्टोटल। देख लीजिए एरिस्टोटल, ये बहुत पुराने हैं। एरिस्टोटल के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, फिलोसोफर थे, राइट? नाउ इट वॉज बेस्ड ऑन सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स एंड हैबिटेट। इन्होंने अलग अलग कैरेक्टर्स को देख करके मॉर्फोलॉजी उनको यूं ही डिवाइड कर दिया, यानी कि ये साइंटिफिक नहीं था। इस पर आप लोग ऑलरेडी काफ़ी सब डिस्कशन कर चुके हैं। यानी कि इन्होंने किया क्या था, इन्होंने लैंड एनिमल, वाटर एनिमल एंड एरियल एनिमल, इस तरह का एक क्लासिफिकेशन एनिमल्स का कर दिया था। सो दिस वॉज नॉट अ साइंटिफिक, क्योंकि हम भी जानते हैं कि उड़ने वाले सिर्फ बर्ड्स ही नहीं होते, कुछ मैमल्स भी उड़ सकते हैं। आजकल बड़ा चर्चा में है, यानी कि आप समझ ही गए होंगे चमगादड़ की बात हो रही है, तो वो मैमल है, उड़ सकता है। नाउ फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन वॉज डन बाई स्वीडिश साइंटिस्ट कैरोलस लिनियस, जिनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से भी नवाजा गया है। कैरोलस लिनियस ने पहला जो है एक साइंटिफिक क्लासिफिकेशन देने की कोशिश करी, लेकिन इस क्लासिफिकेशन का भी नाम पड़ा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, क्योंकि ये कंप्लीट सेंस में ट्रू क्लासिफिकेशन नहीं था। ये रहे कैरोलस लिनियस, आपने इनकी फोटो कई बार देखी होगी। इन्होंने सारे के सारे समस्त प्राणी जगत को दो पार्ट में विभाजित कर दिया, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया। इन्होंने बोला कि भाई प्लांट हैं और एनिमल है, बाकी क्योंकि माइक्रोब्स के बारे में इतनी जानकारी भी नहीं थी उस वक्त, तो उनको नेग्लेक्ट ही किया। और जो कुछ दिखते भी थे, जैसे मशरूम हो गया, फंजाई हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं, उनको प्लांट किंगडम में डाल दिया गया कि भाई आप प्लांटे में हैं, प्लांटे में रहिए। गेटिंग द पॉइंट? सो दिस इज अबाउट टू किंगडम क्लासिफिकेशन। आ सकता है 1735 में इन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया। दिया किसने? कैरोलस लिनियस ने। क्या कहते हैं इसको? इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके पहले भी हम मोनेरा में इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं।
अब बात कर लेते हैं ड्रॉबैक्स, इसमें कुछ खामियां थी। तो ड्रॉबैक क्या थे, देखिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो था कि प्रोकैरियोट यूकैरियोट को एक ही ग्रुप में रखा गया। पहली बात तो ये कि जानकारी ही नहीं थी, तो रखेंगे ही रखेंगे। नाउ एग्जांपल, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया वर प्लेस्ड अंडर प्लांट किंगडम। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को प्लांट किंगडम का हिस्सा मान लिया गया। इसके बाद हेटरोट्रॉफ्स एंड ऑटोट्रॉफ को भी सेम ग्रुप में रख दिया गया। जैसे कि देखिए फंजाई हेटरोट्रॉफ है और उसको प्लेस कर दिया गया प्लांट्स के साथ। प्लांट्स तो ऑटोट्रॉफ हैं वी ऑल नो, एंड फंजाई के पास क्लोरोफिल नहीं होता तो फंजे अपना खाना नहीं बना सकते, उनको भी रख दिया गया था। तो इस तरह का एक क्लासिफिकेशन बन करके आया था। देख लीजिए ये रहा प्लांटे और ये रहा एनिमलिया। इसी प्लांटे में ब्रांचेस हैं बैक्टीरिया, फंजाई, ब्रायोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एल्गे को इधर दे दिया है ना। इसी तरह पॉरीफेरा, सिलेंटरेटा, सारे के सारे फाइलम्स यहाँ पर इन्होंने एडजस्ट कर दिए, बट दैट वॉज नॉट अ करेक्ट क्लासिफिकेशन। इसके अलावा क्या दिक्कत थी, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को सेम ग्रुप में रख दिया। प्रोटोजुअन को एनिमल किंगडम में रख दिया गया। प्रोटोजुअंस जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको एनिमल किंगडम का हिस्सा मान लिया गया। सम लोअर ऑर्गेनिजम्स हैव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल, कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक हैं। अब उनको कहां रखेंगे, प्रॉपर कोई ग्रुप नहीं बना। यूग्लिना से फॉर एग्जांपल, यूग्लिना के अंदर एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक भी हैं और प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक भी हैं, तो उसको किसी प्रॉपर ग्रुप में नहीं रख पाए, यानी कि उसको इन्होंने इंक्लूड कर लिया। अगर यूग्लिना की बात करें प्रोटोजुअन यानी कि प्रोटिस्टा वाले ग्रुप के साथ, तो इन्होंने उसको रख दिया एनिमल किंगडम में। लेकिन उसके अंदर चाहे उसको एनिमल में रखिए चाहे प्लांट में रखिए, वो तो ना एनिमल किंगडम को बिलोंग करता है ना प्लांट के, उसके लिए तो अलग ही किंगडम की जरूरत है। ये मिस हो गया था इस क्लासिफिकेशन में। फिर आ गया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, अर्नस्ट हीकल ने दिया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, अर्नस्ट हीकल जर्मन, राइट। इन्होंने तीन किंगडम दिए, इन्होंने बोला कि भाई कोई दिक्कत की बात नहीं, जो यूनिसेलुलर हैं उनको एक अलग ग्रुप में डाल दो जी, प्रोटिस्टा बना दिया गया और बाकी को रख दिया गया प्लांटे और एनिमेलिया में। क्या ये कंप्लीट क्लासिफिकेशन था बच्चों? मेरे ख्याल से तो ये बिल्कुल भी कंप्लीट क्लासिफिकेशन नहीं था। अनहा, मलाइका, सरिता, श्रवण, समझ में आ रहा है, पुष्पांजलि, वेरी गुड बच्चों, दैट्स गुड। आप लोग जो हैं पूरी एनर्जी के साथ इस सेशन के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये रहा हमारा थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इसके भी ड्रॉबैक्स, इसमें भी खामियां निकल आई। किंगडम प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा को इंक्लूड कर दिया गया, इंक्लूडेड ऑर्गेनिज्म विथ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लाइक वॉल्ड एंड वॉललेस ऑर्गेनिज्म, वॉल वाले ऑर्गेनिज्म, जबकि वॉल एक बहुत बड़ा आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे बैक्टीरिया यानी कि मोनेराज में वॉल होता है, वॉल का कॉम्पोजिशन अलग है, इसके अलावा फंजाई में होता है, प्लांटे में होता है, कॉम्पोजिशन अलग अलग है। तो अब वॉल और बिना वॉल वालों को एक साथ कैसे रख सकते हैं, इन्होंने वो गलती करी। इसके अलावा फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को भी साथ में रख दिया, ऐसा भी गलत है। यूनिसेलुलर और फिलामेंटस और माइसेलियल ऑर्गेनिजम्स को भी साथ में रख दिया, यानी कि कुछ यूं कह सकते हैं कि इन्होंने पहली बात तो ये कि वॉल और बिना वॉल वालों के बीच डिफरेंशिएशन नहीं किया और फंजाई को फिर कहीं पर इन्होंने क्लियरली प्लेस नहीं किया, तो इस वजह से ये ड्रॉबैक था। इसके बाद बात करते हैं फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, हर्बर्ट एफ कोपलैंड। हर्बर्ट एफ कोपलैंड ने फोर किंगडम क्लासिफिकेशन किया। तो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में इन्होंने एडिशन क्या किया, वो ये किया कि किंगडम मोनेरा को सेपरेट कर दिया प्रोटिस्टा के साथ। पहले तो इसके पहले थ्री किंगडम में तो प्रोटिस्टा में ही मोनेरा भी आ गए थे, इन्होंने मोनेरंस को अलग कर दिया क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक नेचर को देखते हुए अलग कर दिया गया। तो किंगडम मोनेरा कर दिया, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया, लेकिन अभी भी फंजाई को लेकर के दिक्कत तो इनके पास भी रह गई कि फंजाई को कहां प्लेस करें। नाउ ड्रॉबैक क्या है कि भाई फंजाई स्टिल इंक्लूडेड इन किंगडम प्लांटे। फंजाई देख लीजिए कहीं से भी आपको 1% भी ग्रीनरी नजर आ रही है क्या इनमें? बिल्कुल भी नहीं। एंड दे आर शेड लविंग, अंधेरा पसंद है इनको, घर के अंधेरे कोने में राइजोपस स्टोलोनिफर देखिए कितना लग्जूरियंटली ग्रो करता है, जिसको ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं, लेकिन जब लाइट होती है तो इनको जरूर दिक्कत होती है। नाउ कम्स द एक्चुअल क्लासिफिकेशन जो आज तक चल रहा है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। हालांकि इसके बाद भी एट किंगडम क्लासिफिकेशन तक आए हुए हैं, बट जो मोस्ट एक्सेप्टेबल है वो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ही है रॉबर्ट विटेकर का। रॉबर्ट विटेकर के बारे में हमने ग्रेट साइंटिस्ट वाली सीरीज में भी इनके जीवन से कुछ सीख ली थी। बहुत ज़्यादा लंबी आयु नहीं थी इनकी, शॉर्ट लाइफ थे, अगर ज़्यादा दिन जिंदा रहते तो शायद पता नहीं और भी कुछ दे सकते थे बायोलॉजिकल वर्ल्ड को। तो इन्होंने क्या किया, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन देख लीजिए बच्चे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया, इन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को करके सारी की सारी
दुविधाएं दूर कर दी। और इन्होंने एक चीज़ और बता दिया कि देख लीजिए ये कैसे रिलेटेड हैं, इन्होंने वो फाइलोजेनेटिक ट्री को भी इंक्लूड किया जो ये बताता है कि शुरुआत तो भाई मोनेरा से हुई है, मोनेरा के बाद जब थोड़ी सी और ग्रोथ हुई तो प्रोटिस्टा आ गए, और फिर प्रोटिस्टा से बाकी तीनों ब्रांचेज निकली हैं, प्रोटिस्टा से ही बाकी तीनों ब्रांचेज निकली हुई हैं, यानी कि प्लांटे एनिमलिया एंड फंजाई का जो डेवलपमेंट हुआ प्रोटिस्टा से हुआ। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ बच्चों, ये जो प्रोटिस्टा है ये कहां से डेवलप हुए, इस ट्री को देख करके क्या पता चलता है आपको कि प्रोटिस्टा कहां से आए, वेयर दे डिड डेवलप फ्रॉम। एक बार मैं क्विकली कोशिश करता हूं, देखते हैं आप लोग क्या आंसर देते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं अवेट करूंगा, तब तक मैं कैरेक्टरिस्टिक बताता हूं। देखिए बच्चों, जो कैरेक्टरिस्टिक थी, फाइव कैरेक्टरिस्टिक जो रॉबर्ट विटेकर ने यूज करी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे भी आने के चांसेस हैं। तो पहला था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, देख लीजिए कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, यानी कि प्रोकैरियोटिक था या यूकैरियोटिक सेल, प्रो या यू दो तरह के सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक यानी कि प्रिमिटिव, पुराने वाले, यूकैरियोटिक यानी कि मॉडर्न सेल्स। तो ये इन्होंने देखा। इसके बाद देखा इन्होंने कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, यानी कि यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, कैसी कॉम्प्लेक्स बॉडी है, यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर। फिर इन्होंने देखा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का मोड कैसा है, ऑटोट्रॉफिक है या हेटरोट्रॉफिक है। फिर देखा गया टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल, सेक्सुअल एंड देयर मोड, एंड लास्ट ऑफ ऑल फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। कई बार आता है कि इसमें से चार ऑप्शन दे देंगे, उसमें पूछा गया कि इनमें से क्या इंक्लूड नहीं किया गया था रॉबर्ट विटेकर के क्लासिफिकेशन में। तो अगर आपको पता है कि क्या क्या इंक्लूड किया गया था, तो आपको 1% भी दिक्कत नहीं होगी उसको कट ऑफ करने में कि ये इंक्लूड नहीं था। तो क्या इंक्लूड है ये जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी डाला जा सकता है, ये तो कुछ हम इसके लिए पूर्वानुमान नहीं लगा सकते, राइट? चलिए देख लीजिए, वेरी गुड समीक्षा एंड ऑल दो स्टूडेंट जिन्होंने दिया है आंसर कि भाई ये जो प्रोटिस्टेंट्स हैं ये मोनेरा से डेवलप हुए, क्योंकि मोनेरा के बाद इनकी उत्पत्ति दिखाई जा रही है फाइलोजेनेटिक ट्री में, ऑर्डर के हिसाब से, रूट से लेके शूट तक। और ये रहे हमारे रॉबर्ट विटेकर साहब, जिन्होंने ये किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। अब बात कर लेते हैं एक और क्लासिफिकेशन सिस्टम, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन, कार्ल वूज। कार्ल वूज भी एक बहुत महान वैज्ञानिक हुए हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, इन्होंने तो सारी की सारी जो किंगडम वाली अवधारणा थी उसी को हिला के रख दिया, इन्होंने झकझोर कर रख दिया। इन्होंने बोला कि नहीं भाई, किंगडम नहीं है सबसे बड़ा, किंगडम से बड़ा है डोमेन। इन्होंने नाम दे दिया कि भाई देर आर थ्री डोमेन्स, वो किंगडम से भी बड़े हैं। डोमेन क्यों बोला इन्होंने, क्योंकि आज के टाइम पर आप देख रहे हैं ये इस किंगडम, ये इस किंगडम, ये इस किंगडम, लेकिन एक जमाना ऐसा भी था कि जब कोई भी नहीं था आसपास, तो सिर्फ एक डोमेन का राज्य था, हर जगह वही डोमेन प्रेजेंट था, वो था आर्किया। तो स्टार्ट हुआ था आर्किया से, इसके बाद बैक्टीरिया, तो जब बैक्टीरिया आए तब आर्किया भी थे और बैक्टीरिया भी थे, उसके बाद सारे के सारे आए यूकैरियोटिक सेल्स। तो यूकैरिया को एक डोमेन का दर्जा दिया, बात तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि आज हम देखते हैं कि हमें बहुत तरह के दिख जाते हैं ऑर्गेनिजम्स, लेकिन एक जमाना था जब धरती बनी थी, उस टाइम के बारे में सोचिए, कौन आया था, आर्किया ही थे, हर तरफ आर्किया ही दिखते थे, कहीं भी चले जाइए, हम तो जाने के लायक भी नहीं थे क्योंकि हम थे ही नहीं वहां पर, सो इट वॉज ऑल आर्किया। तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि डोमेन्स ऑफ लाइफ आर देयर, तो आर्किया इज वन ऑफ द डोमेन ऑफ लाइफ जिसके अंडर में किंगडम है फिर, तो इन्होंने किंगडम का नाम दिया आर्के बैक्टीरिया, क्योंकि ये किंगडम तो आज तक मौजूद है, लेकिन वो डोमेन, एक सिंगल डोमेन जो पहले था, अब सिंगल नहीं है, सारे के सारे हैं, लेकिन उन्होंने क्लासिफिकेशन इस तरह से किया, सो किंगडम इज आर्के बैक्टीरिया। फिर बात कर लेते हैं बैक्टीरिया, यानी कि जो मॉडर्न बैक्टीरियाज हुए, आर्के बैक्टीरिया थोड़े प्रिमिटिव हैं, इनमें यू बैक्टीरिया आ गया। यू बैक्टीरिया से बिल्कुल भी ना समझें कि ये यू कैरियोटिक हैं तो प्रोकैरियोटिक, लेकिन बैक्टीरियाज में आर्के बैक्टीरिया के कंपैरिजन में ये मॉडर्न है, इसी वजह से यू बैक्टीरिया, यू का मतलब होता है एडवांस या मॉडर्न, राइट? इसके बाद जो थर्ड डोमेन है यूकैरिया, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, इनमें कौन कौन से हैं, इनमें स्टार्ट हो गए, देख लीजिए, प्रोटिस्टा को रख दिया, फंजाई को रख दिया, प्लांटे को रख दिया और एनिमलिया को रख दिया। तो यानी कि सारे के सारे किंगडम को अगर मिला लिया जाए तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है 3 डोमेन के साथ, ये कार्ल वूज का क्लासिफिकेशन है, क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं मोनेरा, क्योंकि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के हिसाब से हमने पढ़ा कि भाई मोनेरा फर्स्ट किंगडम है, रॉबर्ट विटेकर को ही ज्यादा महत्व दिया जाता है, तो बात कर लेते हैं मोनेरा। मोनेरा डिवाइडेड इनटू 2, आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, और आर्के बैक्टीरिया में कौन कौन से हैं, देख लीजिए बच्चों, मिथानोजेंस हैं,
जो हमारे रूमिनेंट एनिमल के गट में भी पाए जाते हैं। इसके बाद हैलोफाइल्स हैं, ऐसी जगहों पर जहाँ पर नमक की बहुत ज़्यादा अधिकता होती है वहाँ ये पाए जाते हैं। नमक खदानों के आसपास अगर जल है, पानी है, तो ये पाए जाते हैं। सारे के सारे आपको दिखाऊंगा। थर्मो एसिडोफाइल जहाँ पर सल्फर, हॉट सल्फर स्प्रिंग्स वगैरह हैं, वॉल्केनिक वेंट हैं जहाँ से ज्वालामुखी निकलता है, कई बार वहाँ पर लेक्स हो जाती हैं, गर्म पानी की लेक्स वहाँ पाए जाते हैं। क्योंकि बच्चों ध्यान दीजिए, जब धरती बनी थी तो कुछ ऐसा ही इन्वायरमेंट था, मिथानोजेन थे क्योंकि मीथेन था, रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट का पार्ट था। हैलोफाइल्स नमक यानी कि सॉल्ट्स वगैरह काफ़ी थे मिनरल्स के फॉर्म में, और थर्मो एसिडोफाइल्स ज्वालामुखी वगैरह, गर्मा गर्म लावा निकलता रहता था, अर्थ वॉज जस्ट कूलिंग डाउन, तो उस वक्त इन्हीं का राज्य था। ये आरके बैक्टीरिया हो गए। अब आ गए यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में जो मेजर हम पढ़ते हैं वो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को जोकर्स भी बोला जाता है, लेकिन जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये पहले प्लांट किंगडम में इंक्लूडेड थे। फिर आ गए बैक्टीरिया जो सारी की सारी डिजीजेस कॉज करते हैं, वो सारे के सारे बैक्टीरिया। सिर्फ डिजीजेस ही नहीं, हमारे फायदे में भी आते हैं, काफी बैक्टीरियाज हमारे लिए हेल्पफुल हैं। इसके बाद एक्टिनोमाइसिटिस एक फंजाई से रिसेंबल करने वाले बैक्टीरियाज हैं, सॉयल बैक्टीरिया बोला जाता है इनको। ये फंगल हाइफे की तरह इनके बॉडी में स्ट्रक्चर होता है, एक्टिनोमाइसिटिस। और फिर आ गया चौथा साइनोबैक्टीरिया, जिनको ब्लू ग्रीन एल्गे या BGA के नाम से भी नवाजा जाता है। ये भी जो है काफ़ी सारा ऑक्सीजन हमारे एनवायरनमेंट को दे रहे होते हैं साइनोबैक्टीरिया, या यूं कहें कि ये एल्गे से रिसेंबल करते हैं, एल्गे से मिलते जुलते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक नेचर होने की वजह से ये भी मोनेरा में डाल दिए गए। राइट, लेट अस मूव अहेड और देख लेते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक। मोनेरा इंक्लूड मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ लाइफ विच ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड प्रोजीनोट। ये टर्म याद रखिएगा, कई बार पूछा जा सकता है कि ये जो मोनेरन का स्टॉक है, यानी कि वो सारे के सारे मोनेरन्स कहाँ से उत्पन्न हुए? अचानक तो आ नहीं गए, कहीं ना कहीं से तो आए होंगे। तो उस फॉर्म का क्या नाम है? उस फॉर्म का नाम है प्रोजीनोट, उसको बोलते हैं प्रोजीनोट। राइट, प्रोकैरियोटिक हैं, मोस्टली सिंगल सेल्ड विथ अ फ्यू कॉलोनियल फॉर्म। सिंगल सेल्ड ही होते हैं, कॉलोनियल फॉर्म का मतलब है कि कुछ अपने आप को एक कॉलोनी के फॉर्म में इकट्ठा कर लेते हैं, कि दो चार छह एक साथ रह रहे हैं, काम सारे अपना अपना ही करेंगे। यानी कि टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर उस कॉलोनी को देखें तो आपको लग सकता है कि भाई ये तो कॉलोनियल हैं, तो शायद मल्टी सेलुलर, लेकिन मल्टी सेलुलर वो हुए नहीं, ट्रूली कॉलोनी में रह रहे हैं लेकिन मल्टी सेलुलर नहीं हुए। रीजन ये है कि हर एक सेल को अपना काम खुद करना पड़ता है, डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है। कॉलोनियल फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो बच्चों सबसे सिंपल एग्जांपल है जो हमने साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गे के बारे में पढ़ा, वो लॉन्ग लॉन्ग फिलामेंटस होते हैं, तो कॉलोनियल फॉर्म हो गए। नाउ सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, इस टर्म को याद कर लीजिए, अपने दिमाग में प्रिंट कर लीजिए, पेप्टिडोग्लाइकन। सेल वॉल इनका पेप्टिडोग्लाइकन से बना हुआ है, एक्सेप्ट आरके बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। आरके बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता है, और माइकोप्लाज्मा में तो सेल वॉल ही नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कहां कहां पाए जाते हैं। फाउंड इन ऑल हैबिटेट्स ऑफ अर्थ, बॉटम ऑफ द ओशन, समंदर के नीचे बिल्कुल तलहटी में, बिलो द आइसबर्ग, आइसबर्ग है उसको उठाइए उसके नीचे मिल जाएंगे बैक्टीरिया, फ्रीजिंग एरियाज में, हॉट स्प्रिंग जहां पर बहुत ज्यादा गर्म झरने हैं वहां पर भी मिलेंगे, इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, हमारी और बाकी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर भी हैं, बाहर भी हैं, हर जगह हैं, डेजर्ट में भी मिल जाएंगे, ऑन पार्टिकुलेट मैटर सस्पेंडेड इन द एयर, पार्टिकुलेट मैटर डस्ट पार्टिकल के ऊपर सस्पेंडेड है, वो हवा में तैर रहा है, ये भी हवा में तैर रहे हैं उसी के साथ साथ। मोनेरन्स, समझ में आ गई बात। आर्के बैक्टीरिया के बारे में जान लेते हैं, इनको एंशियंट लिविंग फॉसिल के नाम से भी जाना जाता है। ये देख लीजिए बच्चों, थर्मो एसिडोफाइल्स हैं, हॉट स्प्रिंग्स, हॉट जो सल्फर स्प्रिंग्स हैं उनमें इस तरह का कलरेशन देखने को मिलता है, तो ये आर्के बैक्टीरिया है। मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, फाउंड इन मोस्ट हार्श कंडीशन, जहां पर कोई बाकी जीव नहीं रह सकते, बाकी बैक्टीरिया को भी दिक्कत है, वहां ये रहते हैं। पेप्टिडोग्लाइकन इज एब्सेंट इन द सेल वॉल, इनकी सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन नहीं पाया जाता, हालांकि मोनेरन में है। टॉलरेंस टू एक्सट्रीम कंडीशन इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ब्रांच्ड लिपिड चेन इन द मेम्ब्रेन, इनकी सेल मेम्ब्रेन में ब्रांच्ड लिपिड चेन होती है, स्ट्रेट लिपिड चेन नहीं होती, ब्रांच लिपिड चेन होती है, ध्यान रखिएगा, इसी वजह से ये टॉलरेट कर पाते हैं मोस्ट एक्सट्रीम कंडीशंस को। इंस्टेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन की जगह है क्या इनके पास? इनके पास सेल वॉल कंटेन करती है प्रोटीन्स एंड नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकराइड, सेलुलोज भी पॉलीसैकराइड है लेकिन नॉन
प्रोटीन्स होते हैं और नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड, स्यूडोपेप्टिडोग्लाइकन भी बोला जा सकता है. सेलुलोजिक, नॉन सेलुलोजिक, दोनों सब चीज समझ गए. सेलुलोज से बना है तो सेलुलोजिक, नॉन सेलुलोजिक यानी कि सेलुलोज नहीं है, क्योंकि सेलुलोज तो सिर्फ और सिर्फ प्लांट किंगडम का यूनिक कैरेक्टर है. तो प्रोटीन्स होते हैं नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड. सम मिथानोजेंस कंटेन स्यूडो म्यूरेन, किसी किसी के पास स्यूडो म्यूरेन भी होता है, लेकिन वो मिथानोजेंस के पास होता है जो मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं. एक और फीचर, 16S RNA न्यूक्लियोटाइड आर डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म. इनमें जो 16S RNA राइबोसोमल RNA होता है वो बाकी सारे ऑर्गेनिज्म से अलग है. ये देख लीजिए बच्चों, ये हैलोफाइल्स हैं. यहाँ पर देख रहे हैं नमक इतना ज़्यादा है कि ये नमक की चट्टाने पानी से अलग हो गई हैं, जुदा हो गई हैं. नमक दिख रहा है और नमक का कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट 100% है. तो इन जगहों पर पाए जाते हैं हैलोफाइल्स. चलिए अब आगे बात कर लेते हैं और कैरेक्टरिस्टिक सिमिलैरिटीज विथ यूकैरियोट. इनके कुछ सिमिलैरिटीज, अनोखी बात है कि यूकैरियोट के साथ कुछ कुछ सिमिलैरिटीज ये शेयर करते हैं. तो सबसे पुराना, सबसे मॉडर्न के साथ कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक शेयर करता है. यानी कि बात तो हम यूं कह सकते हैं कि भाई फैशन तो रिपीट करता है, सिंपल सी बात है. इनको देख लीजिए, हिस्टोन प्रोटीन्स आर प्रेजेंट. इनके पास हिस्टोन प्रोटीन होता है, हिस्टोन ऑक्टमर डीएनए की बाइंडिंग में काम आता है, वो हिस्टोन प्रोटीन इनके पास प्रेजेंट है. डीएनए में रेप्लीकेशन प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन सारे के सारे प्रेजेंट हैं, जो कि बाकी किसी प्रोकैरियोट में इतना इलेबोरेट नहीं है. इसके अलावा मोनोसिस्ट्रॉनिक ओपेरॉन्स प्रेजेंट, एक एक स्ट्रक्चरल जीन होगी. आपने लैक ओपेरॉन पढ़ा हुआ है, लैक ओपेरॉन में कितनी सारी, 3 स्ट्रक्चरल जीन एक साथ थी. तो वो क्या है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं प्रोकैरियोट, बट इनके पास मोनोसिस्ट्रॉनिक ओपेरॉन यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होता है, तो वो सिस्टम जो है ओपेरॉन कहलाता है. मोनोसिस्ट्रॉनिक ओपेरॉन प्रेजेंट है इनके पास. और ये देख लीजिए बच्चों, ये रहे हमारे मिथानोजेंस, रूमेन में रहते हैं, एब्डोमेन में रहते हैं, रूमिनेट एनिमल्स. इनमें 4 चेंबर होते हैं, आपने पढ़ा हुआ है इसके बारे में, इनके चेंबर्स के बारे में. तो इनके चेंबर्स के अंदर फर्मेंटेशन प्रोसेस हो रहा होता है और मीथेन का प्रोडक्शन होता है. तो गाय अगर कभी डकार लेती है बच्चों, तो मीथेन ही निकलता है और कुछ नहीं निकलता. तो बर्पिंग बोलते हैं, तो बर्पिंग करने से इन एनिमल्स की डकार में जो है मीथेन का, क्योंकि मीथेन का प्रोडक्शन हो रहा है इनके स्टमक के अंदर किसी न किसी चेंबर में. चलिए अब बात कर लेते हैं कि इनको कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं. तो आरके बैक्टीरिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, नॉन सल्फर मीडियम वाले आरके बैक्टीरिया या फिर हॉट सल्फर स्प्रिंग वाले आरके बैक्टीरिया. 2 तरह के आरके बैक्टीरिया हैं, नॉन सल्फर बिना सल्फर वाले और हॉट सल्फर स्प्रिंग वाले. नॉन सल्फर वाले में आ गए मिथानोजेंस. मिथानोजेंस ये क्या है, ऑब्लीगेट एनरोब हैं. ऑब्लीगेट फैकल्टेटिव नहीं है, ऑब्लीगेट है. आपको आइडिया लग गया होगा कि ये ऑब्लीगेट क्यों है, क्योंकि ये उस वक्त आए थे धरती में जब रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर नहीं था, तो ये ऑब्लीगेट ही रह गए. एग्जाम्पल 2 मैंने यहाँ दिए हुए हैं, मिथानोबैक्टीरिया, मिथानोकॉक्कस, ये 2 एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा. इसके अलावा हैलोफाइल्स फैकल्टेटिव एनरोब्स हैं, ये भी एनरोब्स हैं लेकिन ये फैकल्टेटिव हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा बाद में आए जब कूलिंग हो गई है ना, और जब सॉल्ट वगैरह प्रेसिपिटेट करने लगा तो हैलोफाइल्स आए. तो ये फैकल्टेटिव एनरोब्स हैं, यानी कि अगर एनरोबिक कंडीशन मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फैकल्टेटिव है. लेकिन ऑब्लीगेट वाला जिंदा ही नहीं रह सकता बिना एनरोबिक कंडीशन के. इसके 2 एग्जांपल याद रखिएगा, हेलो बैक्टीरियम एंड हेलोकॉक्कस. इसके बाद बात कर लेते हैं हॉट सल्फर स्प्रिंग वाले थर्मो एसिडोफाइल्स, दे आर कॉल्ड थर्मो एसिडोफाइल्स, और ये भी फैकल्टेटिव एनरोब्स हैं. इनके 2 एग्जाम्पल याद रखिएगा, थर्मोप्लाज्मा, थर्मोप्रोटियस. राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब बात करते हैं यू बैक्टीरिया की, अपना मॉडर्न बैक्टीरिया. ओमनी प्रेजेंट, हर जगह सर्वव्यापी है, हर जगह पाया जाता है, ओमनी प्रेजेंट. लेकिन यूनिसेलुलर होगा विथ वेरिएबल शेप, मोस्टली पैथोजेनिक, ज्यादातर ये पैथोजेनिक होते हैं. ये देख लीजिए, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है. सेल चैप्टर में आपने प्रोकैरियोटिक सेल के एक एक पार्ट को पढ़ा हुआ है, तो यहां पर इसको पूरा एक्सप्लेन ना करके मैं आगे बढ़ना पसंद करूंगा, क्योंकि इस क्रैश कोर्स में हमें बहुत क्विकली सारा का सारा कोर्स कंप्लीट करना है. इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर करिएगा कमेंट में पोस्ट, फिर कभी सेशन कर लिया जाएगा क्विक पेस में. राइट, प्रोकैरियोटिक सेल की संरचना है, स्ट्रक्चर है. नाउ यू बैक्टीरिया में बेस्ड ऑन देयर शेप दे आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप. शेप के हिसाब से अलग अलग टाइप में इनको बांटा गया. कॉक्कस,
कॉकस यानी कि स्फेरिकल राउंड शेप में रहेंगे, उनको कॉकस बोलते हैं। देख लीजिए कितने तरह के कॉकस हैं, ये रहा सिंगल कॉकस, डिप्लोकॉकस, ट्रेफाइलो स्ट्रेप्टोकॉकस, राइट। सेल्स आर स्फेरिकल जैसे कि डिप्लोकॉकस न्यूमोनिया, एक एग्जांपल तो याद रखना ही चाहिए। फिर आ गया बैसिलस, इलोंगेटेड रॉड लाइक, ये रहे बैसिलस, देख लीजिए रॉड लाइक है, इलोंगेटेड रॉड लाइक बैक्टीरिया, राइट। तो लैक्टोबैसिलस एक नाम याद रखिएगा। इसके बाद विब्रियो, विब्रियो यानी कि कॉमा शेपेड, थोड़े से ट्विस्टेड हैं, देख लीजिए ये लास्ट वाला है ना, हल्का सा टेढ़ा है। अब आप बोलेंगे कि सर कुछ तो रॉड वाले भी टेढ़े लग रहे हैं, बट इन जनरल वो स्ट्रेट हैं, लेकिन इसमें देखिए साइड में टैपरिंग है, इधर टैपरिंग है और बीच में थोड़ा सा थिकनेस ज़्यादा है, लेकिन ये ऑलमोस्ट रॉड लाइक ही हैं। गेटिंग द पॉइंट, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि बिल्कुल रॉड को कट करके बनाना पड़ेगा। सो विब्रियो कॉलेरी, विब्रियो कॉलेरी कॉलेरा प्रोड्यूस करने वाला विब्रियो टाइप का कॉमा शेपेड बैक्टीरिया, राइट। अब बात कर लेते हैं स्पिरिलम, स्पिरिलम का मतलब है कॉइल्ड एंड स्पाइरल, ये देख लीजिए स्पिरिलम, इसका एग्जांपल भी स्पिरिलम याद रख लीजिएगा। इसके बाद स्टॉक्ड यानी कि नीचे एक डंडी सी लगी हुई है, एज इफ दे आर मेंबर्स ऑफ द प्लांट किंगडम, ये देख लीजिए स्टॉक दिख रहा है ना, ये छोटा सा स्टॉक्ड है, ऐसा भी पाया जाता है। काउलोबैक्टर एग्जाम्पल याद रखिएगा, बडिंग होते हुए भी दिखाई देती है कहीं पर, दे हैव स्वेलिंग लाइक बड, लाइक रोडोमाइक्रोबियम, देख लीजिए आपको लग रहा है एज इफ ये कि यहाँ पे बड निकल रहे हैं, ये देखिए बड, बड नहीं है वो, बॉडी का स्ट्रक्चर ही ऐसा है, तो बडिंग टाइप भी एक डाल दिया है और उसका एग्जाम्पल रोडोमाइक्रोबियम याद रखिएगा। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं फ्लैजेला के हिसाब से, फ्लैजेला होता है बैक्टीरियाज में, तो फ्लैजेला क्या सब में एक जैसा होता है? बिल्कुल भी नहीं होता, देखिए किसी में एक है, किसी में दो है, किसी में गुच्छा है, एक गुच्छा किसी में, दो गुच्छा किसी में, पूरा कवर्ड है फ्लैजेला से। सो बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लैजेला दे आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, ए ट्राइचस बिना किसी फ्लैजेला के, ढूंढिए ए ट्राइचस कहाँ है, ये रहा ए ट्राइचस, कोई भी फ्लैजेला नहीं है। इसके बाद है मोनोट्राइचस, एक सिंगल फ्लैजेला वाला, ये देख लीजिए मोनोट्राइचस। फिर एम्फीट्राइचस है, वन एंड ईच साइड टोटल टू फ्लैजेला, यानी कि दोनों तरफ एक एक फ्लैजेला डाला हुआ है, तो ये हो गए एम्फीट्राइचस। इसके बाद है लोफोट्राइचस, लोफोट्राइचस में क्या है कि वन टफ्ट और ग्रुप ऑफ फ्लैजेला एट वन एंड, लोफोट्राइचस, ये देख लीजिए लोफोट्राइचस, एक गुच्छा है, एक सिंगल नहीं है, गुच्छा है, वो भी गुच्छा एक तरफ है। इसके बाद है सिफेलोट्राइचस, यानी कि दोनों एंड पर टू टफ्ट और ग्रुप ऑफ फ्लैजेला एट ईच एंड, वो है सिफेलोट्राइचस, ये रहा सिफेलोट्राइचस। और एक ऐसा भी है जिसको पूरी बॉडी कवर्ड है, हर तरफ है, पेरिट्राइचस टाइप, पेरिट्राइचस देख लीजिए, ये रहा पेरिट्राइचस, राइट। अब बात कर लेते हैं ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस की। क्रिश्चियन डी ग्राम ने एक अनोखी टेक्निक डेवलप करी जिसमें कुछ बैक्टीरियाज को कलर किया जाएगा तो वो पर्पल या वायोलेट दिखेंगे और कुछ को कलर किया जाएगा तो वो पिंक दिखेंगे, पिंक भी काउंटर स्टेन की वजह से, अदरवाइज वो कलरलेस हैं, यानी कि कुछ जो हैं वो ग्राम पॉजिटिव जो हो गए यानी कि जो ग्राम स्टेन को लेंगे वो पर्पल या वायलेट दिखेंगे, और दूसरे में अगर स्टेनिंग ना करी जाए तो वो कलरलेस हैं यानी कि आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि इतने छोटे हैं इनको और क्लासीफाई करना बड़ा मुश्किल था, तो वो टेक्निक हम क्विकली देख लेते हैं। क्रिश्चियन डी ग्राम डेवलप्ड अ टेक्निक टू स्टेन बैक्टीरियल सेल, इनको कैसे कलर किया जाए। देखिए बच्चों, बैक्टीरिया, कोई भी बैक्टीरिया का सैंपल लिया गया, सॉइल से लिया, वाटर से लिया, एयर से लिया, कहीं से भी लिया, उस सैंपल में क्या करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ क्रिस्टलाइन वायोलेट डाला जाएगा। इसके ऊपर मैंने मोनेरा में काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन भी किया था कि बैक्टीरिया का कल्चर कैसे किया जाता है, पेट्री डिश में कैसे रखा जाता है, पेट्री डिश के से निकाल करके स्लाइड पे कैसे उनको माउंट किया जाता है, यानी कि आप जब वर्क करेंगे तो आपको एक स्लाइड के ऊपर बैक्टीरियल स्मियर लेना पड़ेगा। बैक्टीरियल स्मियर का मतलब क्या है कि आप जानते हैं कि इस सरफेस पर बैक्टीरिया है, वहाँ से थोड़ा सा मटीरियल स्कूप करके उसके ऊपर लेयर बना देनी पड़ेगी, उसी को कहते हैं बैक्टीरियल स्मियर, राइट। तो उस बैक्टीरिया वाली स्लाइड के ऊपर आप डालेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्रिस्टलाइन वायोलेट, यही मेन केमिकल है क्रिस्टलाइन वायोलेट, इसी को बैक्टीरिया के, कुछ बैक्टीरिया के सेल्स रिटेन कर लेते हैं, तो क्रिस्टलाइन वायोलेट हो गया और जो बना उसका नाम पड़ा ब्लू बैक्टीरिया, यानी कि जो बन गया कलर के बाद वो ब्लू बैक्टीरिया है।
अब क्या करेंगे उस ब्लू बैक्टीरिया, क्योंकि वो आपको ब्लू ब्लू ही दिखाई दे रहा है, आपने स्लाइड के ऊपर अगर डाल दिया क्रिस्टल वायोलेट तो आपको पूरा का पूरा ब्लू टाइप का दिखाई दे रहा, अभी माइक्रोस्कोप में तो देखा नहीं। अब आप क्या करेंगे, जिन बैक्टीरियाज ने नहीं लिया है वो क्रिस्टल वायोलेट, उसको तो हटाना पड़ेगा तभी तो डिफरेंशिएट होगा। तो उस ब्लू बैक्टीरिया के ऊपर आपने आयोडीन सॉल्यूशन डाला जिसका कॉन्सेंट्रेशन है 0.5% आयोडीन सॉल्यूशन डाला, ताकि जिनके अंदर वो एब्जॉर्ब हुआ है वो फिक्स हो जाए, और जिनके अंदर एब्जॉर्ब नहीं हुआ है उसके लिए डाल दिया अल्कोहल ताकि धुल जाए। तो जो ब्लू बैक्टीरिया जिसने रिटेन किया है क्रिस्टल वायोलेट के कलर को, वो आयोडीन सॉल्यूशन को डालने के बाद वो कलर पक्का हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। लेकिन जिसने नहीं लिया है उसको जबरदस्ती क्यों कलर किया जाए, उस कलर को ऊपर से जो लिक्विड है क्रिस्टल वायोलेट वो भी हटा दो, इसके लिए अल्कोहल डाल दिया। जैसे ही अल्कोहल डाला आपने, ड्रॉप बाय ड्रॉप डाला जाता है, अब बड़े आराम से सेग्रीगेट हो गए। ग्राम पॉजिटिव जिनको आयोडीन ने फिक्स कर दिया था अल्कोहल से नहीं धुला, और जिनका फिक्स नहीं हुआ था और जो ऊपर की सतह में कलर था अल्कोहल से धुल गया, वो बन गए ग्राम नेगेटिव। गेटिंग द पॉइंट? अब इसके बाद क्या करेंगे, काउंटर स्टेनिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि जिनके अंदर कोई भी कलर नहीं रुका, जो ग्राम नेगेटिव हैं, जिनसे हमने अल्कोहल डाल के क्रिस्टल वायोलेट भी हटा दिया, क्रिस्टल वायोलेट क्यों हटा दिया, क्योंकि अदरवाइज हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। अब लेकिन इनको देखने के लिए फिर से कलर करना पड़ेगा, तो आप ही सुझाइए कैसा कलर होना चाहिए, लाइट होना चाहिए ना कलर, क्योंकि क्रिस्टल वायोलेट वाले तो ऑलरेडी दिखेंगे आपको पर्पल या ब्लू, तो इनको देखने के लिए एक लाइट स्टेन की जरूरत है, सेम कलर में नहीं देखे जाएंगे। तो इनको काउंटर स्टेनिंग करी गई सेफ्रानिन के साथ टू मेक ग्राम नेगेटिव विजिबल। अब अगर ये सेफ्रानिन हल्का है, लाइट होता है, पिंक टाइप का होता है, थोड़ा सा रेडिश पिंकिश कलरेशन होता है, ये सेफ्रानिन अगर वायोलेट वाले के ऊपर भी आएंगे, क्योंकि डार्कर कलर है वायोलेट, तो वायोलेट वाला वायोलेट ही दिखेगा, लेकिन जिसके पास कोई कलर नहीं था वो आपको पिंक में दिखेगा। ये देख लीजिए, ये ग्राम पॉजिटिव है, ये ग्राम नेगेटिव है, क्लैरिटी आ गई। इतनी सी क्लैरिटी बहुत है बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करने के लिए। अब इनके बीच में डिफरेंसेस को देखना अति आवश्यक है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए बच्चों। तो बैक्टीरिया क्या करता है, रिटेन अ ब्लू पर्पल कलर आफ्टर ग्राम स्टेनिंग, ये रिटेन कर लेते हैं, लेकिन ग्राम नेगेटिव डू नॉट रिटेन एनी कलर आफ्टर ग्राम्स स्टेनिंग। अब इसके पीछे रीजन क्या है देख लीजिए, सेल वॉल इज स्मूथ एंड 20 to 80 नैनोमीटर थिक, 20 टू 80 नैनोमीटर थिक सेल वॉल है, यानी कि वो सेल वॉल ही तो कारण है। सेल वॉल में होता है पेप्टिडोग्लाइकन, वही पेप्टिडोग्लाइकन एब्जॉर्ब करता है जो हमारा ब्लू एंड पर्पल कलर है। लेकिन ऐसा नहीं कि ग्राम नेगेटिव के पास नहीं है, है, लेकिन सेल वॉल इज वेवी, ऐसे थोड़ी सी घुमावदार है, स्ट्रेट नहीं है, और 8 से 12 नैनोमीटर थिक है, यानी कि इतनी पतली लेयर में अगर क्रिस्टल वायोलेट का कलर रहेगा भी तो भी दिखाई नहीं देगा, कंपेयर टू 20 टू 80 नैनोमीटर काफी ज्यादा थिक है, ये क्लियरली विजिबल है। इसके अलावा म्यूरेन का कंटेंट इसमें 70 to 80% है, और फैट की मात्रा कम होती है। इधर क्या है कि म्यूरेन 10 से 20% है, और लिपिड देख लीजिए 20 से 30% है, वहां पर 8% से ज्यादा नहीं होता। राइट नाउ टीचोइक एसिड इन सेल वॉल, ये भी एक केमिकल सब्सटेंस है टीचोइक एसिड, याद रखिएगा, और इसमें टीचोइक एसिड एब्सेंट है सेल वॉल में। इसके अलावा मीसोजोम्स जो हैं इसमें प्रोमिनेंट है, इनफोल्डिंग हो जाती है, उसको मीसोजोम्स बोलते हैं। इसमें मीसोजोम्स लेस प्रोमिनेंट, इसमें कम दिखाई देते हैं, ससेप्टिबल टू एंटीबायोटिक, यानी कि जो ग्राम पॉजिटिव हैं वो एंटीबायोटिक के आगे दम तोड़ देते हैं, तो बड़े अच्छा है, हमारे बड़े काम का है। लेकिन थोड़ी सी नुकसानदायक बात यह है कि ये तो बेचारे सीधे साधे हैं, नॉन पैथोजेनिक हैं, ये नॉन पैथोजेनिक हैं और एंटीबायोटिक से जल्दी कंट्रोल में आ जाते हैं, लेकिन ये वाले जो हैं ये रेजिस्टेंट हैं टू एंटीबायोटिक, बहुत जल्दी एंटीबायोटिक काम नहीं करता, इनके लिए नई नई एंटीबायोटिक ढूंढते रहने पड़ती है, और ये जो हैं मोस्टली पैथोजेनिक हैं, ये ज़्यादातर डिजीज फैलाने में ही विश्वास रखते हैं। तो ग्राम नेगेटिव समझ में आ गया आपको। चलिए बच्चों अब एक बार इनका देख लेते हैं स्ट्रक्चर। ग्राम पॉजिटिव में देख लीजिए पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर कितनी मोटी है, अभी हमने देखा यहाँ पर पेप्टिडोग्लाइकन कितना कम है, सो दैट इज़ द रीज़न अलग अलग कलर स्टेनिंग करते हैं। एक और बात, इनकी जो सेल वॉल दिख रही है आपको, इसमें पेप्टिडोग्लाइकन है, तो इस सेल वॉल को आप कंपेयर कर सकते हैं लकड़ी की मोटी दीवार के साथ, लकड़ी की इतनी मोटी दीवार
और स्टील की इतनी पतली दीवार अगर बुलेट फायर करी जाएगी तो बुलेट कौन सी दीवार को क्रॉस करेगी, ये आपको अच्छे से पता है। तो ये देख लीजिए, इतनी मोटी दीवार है इनकी ज़रूर, लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं है, इनकी क्वालिटी बड़ी अच्छी है। दैट इज़ द रीज़न दे आर पैथोजेनिक और वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्विकली, वक्त कम है, काफ़ी सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। बच्चों लाइक्स जो हैं बढ़ाते रहिए आप लोग, लाइक्स के लिए कहना मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता, आप खुद ही देते हैं। 1000 लाइक्स का टारगेट है और मुझे पता है कि आज बिल्कुल अचीव हो जाएगा। नाउ यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया में 4 डिविजन्स हैं, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, साइनो बैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसिटिस। अब क्विकली इनके क्लासिफिकेशन को हम देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल बैक्टीरियल सेल, वही डायग्राम देखिए फिर आ गया, मोनेरा वाले चैप्टर में जो यूट्यूब पर ही लिया था मैंने, वहाँ पर इसके बारे में पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन किया गया है, सारे के सारे पार्ट आप देख सकते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक से कैसे डिफरेंस है, सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि इसके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं पाया जाता, कोई भी ऑर्गेनल में कोई मेम्ब्रेन नहीं होगा। मेम्ब्रेन की बात जो मैं कर रहा हूं वो मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है, इसके अलावा किसी भी ऑर्गेनल में और प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है। लेकिन यूकैरियोटिक में बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं जिनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है ही है, उनमें भी मेम्ब्रेन है। और एक बात और क्लियर बता दूं यहां पर कि जितनी भी मेम्ब्रेन है सारी की सारी लिपिड बाई लेयर है बच्चों, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन हो, डबल लेयर यानी कि दो दो करके लिपिड बाई लेयर है, क्लोरोप्लास्ट दो दो करके लिपिड बाई लेयर दोनों दोनों जगहों पर है, जहां पर भी टोनोप्लास्ट हो, चाहे वैक्यूल के ऊपर की कवरिंग हो, जहां पर भी मेम्ब्रेन होगी सारी की सारी लिपिड बाई लेयर है, सिंगर निकोलसन मॉडल को फॉलो करती हैं। इसके अलावा इसका कोई न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियॉइड है, यानी कि एक सिंगल क्रोमोजोम है और वो स्कैटर्ड है, राइट। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ बैक्टीरियल सेल, यानी कि उस सेल में जो जो कॉम्पोनेंट है वो सारा का सारा इस टेबल में दिया हुआ है। तो सेल एनवेलप यानी कि कवरिंग, फिर साइटोप्लाज्म अंदर जो जेली लाइक मटेरियल है, फिर न्यूक्लियॉइड वो सिंगल क्रोमोजोम जो न्यूक्लियस का काम कर रहा है, इसके अलावा प्लास्मिड होते हैं, प्लास्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोजोम है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियॉइड क्रोमोजोम, यानी कि न्यूक्लियॉइड से अलग सर्कुलर क्रोमोजोम्स होते हैं, उनको क्रोमोजोम ना कह के प्लास्टिड कहा, वो प्लास्मिड कहा जाता है, प्लास्टिड तो प्लांट सेल में होता है, प्लास्मिड को बायोटेक्नोलॉजी में भी यूज़ किया जाता है, राउंड सर्कुलर डीएनए। इसके अलावा होता है फ्लैजेला, फ्लैजेला के ऊपर हमने क्लासिफिकेशन भी देख लिया। इसके बाद होता है पिलाई एंड फिम्ब्री, पिलाई एंड फिम्ब्री का बड़ा अनोखा काम है, पिलाई जो है कॉन्जुगेशन करते हैं कुछ बैक्टीरियाज, ए टाइप ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ट्रूली सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं है वो, उसमें करते क्या हैं, दो बैक्टीरिया आपस में मैच करते हैं और उनके अंदर जो रेजिस्टेंट वाली जीन्स वगैरह होती सिर्फ उन्हीं जीन्स का ट्रांसफर कर लेते हैं, दूसरे को भी रेजिस्टेंट बना देते हैं। इसके अलावा होता है फिम्ब्री जो किसी भी सरफेस के साथ अटैच करने में काम आता है, जो एक्वाटिक बैक्टीरिया होते हैं उनमें स्पेशली। अब बात कर लेते हैं सेल एनवेलप की, आउटर कवरिंग, इट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 3 कॉम्पोनेंट होते हैं आउटर कवरिंग में, ग्लाइकोकैलिक्स ऊपर से एक चिपचिपा पदार्थ होता है ग्लाइकोकैलिक्स म्यूसिलेज कवरिंग, उसके बाद आती है सेल वॉल, फिर आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इतना सारा इनके पास अरेंजमेंट होता है कि इनका नुकसान कुछ ना हो पाए। अब बात कर लेते हैं ग्लाइकोकैलिक्स म्यूसिलेज कवरिंग, आउटर मोस्ट लेयर नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड विद और विदाउट प्रोटीन, नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड जो आपने आरके बैक्टीरिया में भी पढ़ा वो इनके ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर में पाया जाता है। नाउ क्या है ये, इट इज़ अ लूज कवरिंग, इट इज़ कॉल्ड स्लाइम लेयर, एक चिपचिपा सा लेयर है ऊपर से ताकि डेसिकेशन भी ना हो, वाटर का लॉस ना हो और ये चिपक भी जाए। सो इट If thick and tough called capsule, अगर ये thick और tough हो जाती है तो capsule का नाम दे दिया जाता है। It is protective in function, तो कुछ bacteria में capsules भी होते हैं, protective in function होता है, ये देख लीजिए outer membrane और फिर ये periplasmic है, ये रहा membrane और इसके बीच में ये देख लीजिए peptidoglycan, ये रहा स्ट्रक्चर इनकी मेम्ब्रेन, पेप्टिडोग्लाइकन यानी कि दो लेयर्स के बीच में पाया जाता है। आ गया सेल वॉल, रिजिड सॉलिड कवरिंग प्रोटेक्ट बस्टिंग इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, सेल वॉल की जरूरत इसीलिए होती है कि मान लीजिए इनको पानी में डाल दिया गया, अब सेल के अंदर तो एंडोस्मोसिस हो जाएगा, वाटर अंदर आ जाएगा, सेल फूल जाएगा, फट सकता है। प्लांट में भी यही है, प्लांट में भी ताकि वो सेल डैमेज ना हो इस वजह से सेल वॉल, क्योंकि उनमें वाटर यानी कि हाइपरटॉनिक हाइपोटॉनिक का बहुत ज़्यादा मामला रहता है, फिशेज में भी होता है, एनिमल्स हैं, लेकिन सेल वॉल नहीं होता। इसी वजह से मीठे पानी की मछली को अगर आप समंदर में डाल देंगे तो वो बिल्कुल सुकड़ जाएगी, क्योंकि उसके अंदर का पानी बाहर चला जाएगा हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट की तरफ, और अगर समंदर की मछली को तालाब में डाल देंगे तो वो पानी काफ़ी एब्जॉर्ब करके उसके सेल्स स्वेल हो जाएंगे, मोटी हो जाएगी मछली और मर जाएगी,
क्योंकि सेल्स बस्ट हो जाएंगे। तो बस्टिंग को रोकने के लिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में बैक्टीरिया बस्ट ना हो जाए इसकी वजह से सेल वॉल, क्योंकि इनको तो पता नहीं कब किस कॉन्सेंट्रेशन में रहना पड़े। मोड मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, किससे बना हुआ है? सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बना हुआ। पेप्टिडोग्लाइकन चेन इज मेड ऑफ रिपीटिंग यूनिट, नैम एंड नैग पाया जाता है इनमें, रिपीटिंग यूनिट ऑफ, देख लीजिए इन केमिकल्स का नाम जरूर याद रखिएगा, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन नैग बोलते हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन नैग, और इसके अलावा एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड नैम, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड नैम। तो रिपीटिंग यूनिट होते हैं, बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, नैम एंड नैग, नैम एंड नैग करके चल रहा होता है अलग अलग पैटर्न में, राइट। सो दैट इज हाउ पेप्टिडोग्लाइकन इज मेड अप ऑफ नैग एंड नैम, और नैग एंड नैम के नाम जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में आ चुका है, आगे भी आने के चांसेस हैं। बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जो कि सिलेक्टिवली परमिएबल है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग मेम्ब्रेन है और वो सिलेक्टिवली परमिएबल ही होती है। इट इज़ मेटाबॉलिकली एक्टिव इन बैक्टीरिया। अब ये जो मेम्ब्रेन है, चूंकि बैक्टीरिया में और कोई मेम्ब्रेन नहीं है, तो आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ आपसे माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, क्या करती हैं, मेम्ब्रेन में ही एटीपी का प्रोडक्शन होता है। मैं अगर बात करूँ आपसे कि ऐसी मेम्ब्रेन जो क्लोरोप्लास्ट में होती, वो भी नहीं है, तो जाने की बात है कि सारी की सारी जो मेटाबॉलिक रिएक्शन जिनमें मेम्ब्रेन चाहिए, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यूज़ करते हैं। गेटिंग द पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है इनके पास, तो उसी मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एटीपी का सिंथेसिस भी होता है। सो मेटाबॉलिकली एक्टिव है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन से ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में मेटाबॉलिकली एक्टिव है, तो वो बैक्टीरिया में है। नाउ क्या क्या काम करता है देख लेते हैं। इट टेक्स पार्ट इन रेस्पिरेशन, सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड सेल वॉल कॉम्पोनेंट, सेल वॉल के कॉम्पोनेंट भी उसी में बन रहे होते हैं। स्पेस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल इज कॉल्ड पेरीप्लाज्मिक स्पेस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में ये जो गैप होता है, इसको बोलते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। गैप बिटवीन टू मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पेरीप्लाज्मिक स्पेस, सिंपल सी बात है। बात करते हैं साइटोप्लाज्म की, तो साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते, एबसेंट होते हैं। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग और सैप वैक्यूल एब्सेंट होते हैं। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग यूकैरियोट में देखा जाता है, साइटोप्लाज्म ऐसे घूम रहा होता है। अगर प्लांट सेल को देखें, उनके छोटे छोटे क्लोरोप्लास्ट भी घूम रहे होते हैं, इसको स्ट्रीमिंग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म की या साइटोप्लाज्म की, वो एब्सेंट होता है। सैप वैक्यूल, कोई वैक्यूल नहीं पाया जाता, गैस वैक्यूल है। सैप वैक्यूल का मतलब होता है जिसमें फूड वगैरह स्टोर कर सकते हैं, जैसे अमीबा में देखा गया है वैक्यूल। इनके पास गैशियस वैक्यूल्स जरूर होते हैं। नाउ इट हैज़ द फॉलोइंग कॉम्पोनेंट। अब साइटोप्लाज्म में है क्या इनके पास, तो साइटोप्लाज्म में इनका मीसोजोम होता है, राइबोसोम्स होते हैं, क्रोमैटोफोर्स होते हैं। बात कर रहे हैं साइटोप्लाज्म की, यानी कि पूरे के पूरे प्रोटोप्लाज्म की नहीं, तो हमने वो न्यूक्लियोइड को अभी एक्सक्लूड रखा हुआ है। तो जो साइटोप्लाज्म है उसमें मीसोजोम्स होते हैं, इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स होते हैं और क्रोमैटोफोर्स होते हैं। इनको देख लेते हैं कि मीसोजोम्स क्या हैं। मीसोजोम्स देख लीजिए, फॉर्म ड्यू टू इनवर्ड फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देख लीजिए, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड होके इसने बना दिया मीसोजोम। ये आप देख रहे हैं, ये सारे के स्ट्रक्चर, ये देखिए नंबर 8। सो 8 में ये आ गया, ये आ गया, ये वाले स्ट्रक्चर है ना। सो इन फोल्डिंग, अंदर की तरफ फोल्ड हो गई, सीधी सी बात है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टे बन जाता है, तो इट फॉर्म्स द मीसोजोम। कंसिस्ट ऑफ वेसिकल ट्यूब्यूल एंड लैमेला। ये वेसिकल ट्यूब्यूल या लैमेला के आकार में आ जाते हैं, राइट। अब बात करते हैं राइबोसोम्स की। स्मॉल मेम्ब्रेनलेस राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, 70S राइबोसोम होता है, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक में 80S होता है। इट हैज़ टू टाइप्स, फ्री राइबोसोम होते हैं जो कि स्कैटर्ड हैं साइटोप्लाज्म में, और फिक्स्ड राइबोसोम होते हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं। तो दोनों के दोनों टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं, और जो राइबोसोम फ्री भी हैं वो राइबोसोम जनरली अकर इन ग्रुप्स। सो राइबोसोम्स जनरली अकर इन ग्रुप्स कॉल्ड पॉली राइबोसोम और पॉलीजोम। 4 से 8 का ग्रुप है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। सो पॉली राइबोसोम्स और दी राइबोसोम्स जो उसमें होते हैं, चेन में होते हैं। राइबोसोम्स आर अटैच टू अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ एमआरएनए। ये सारे के सारे एक सिंगल स्ट्रैंड में अटैच हो जाते हैं, देख लीजिए, यानी कि वर्क ज्यादा हो पा रहा, सेम आरएनए स्ट्रैंड को बार बार ट्रांसलेट करने का काम ये कर सकते हैं। नाउ क्रोमैटोफोर्स, सो फाउंड इन फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। देखिए बच्चों, क्रोमैटोफोर जो फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि लाइट को यूज करके फोटोसिंथेसिस के टाइप का प्रोसेस कर लेते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स बोला जाता है। इन ग्रीन बैक्टीरिया दे आर ऑल्सो कॉल्ड क्लोरोजोम, क्लोरोजोम कहलाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि ऑक्सीजन रिलीज होगा।
क्योंकि ऑक्सीजन रिलीज करने का काम साइनोबैक्टीरिया कर लेते हैं, ये नहीं करते। क्लोरोसोम्स तो ये क्या करते हैं, ये लाइट को यूज करके हाइड्रोजन सल्फाइड मीडियम से ज्यादातर खाना बनाते हैं। नाउ क्लोरोसोम्स जो हैं दे कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कॉल्ड बैक्टीरियो क्लोरोफिल, नॉर्मल क्लोरोफिल नहीं। इसके अलावा बैक्टीरियो फेओफाइटिन और कैरोटीनॉइड्स भी पाया जाता है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो फेओफाइटिन और कैरोटीनॉइड्स भी इनमें पाया जाता है, क्रोमैटोफोर्स। क्लियर है बच्चों? शिव प्रसाद, विष्णु, सेंटिल, सुमाया, अलीना, श्रेष्ठा, बहुत बढ़िया बच्चों, और लाइक्स तो होने ही चाहिए, है ना। अब बात कर लेते हैं न्यूक्लियोइड की। न्यूक्लियोइड उनका न्यूक्लियस के साथ कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन न्यूक्लियस नहीं है, क्योंकि ट्रू न्यूक्लियस में ऊपर से कवरिंग होती है, न्यूक्लियर एनवेलप होता है, न्यूक्लियर पोर होता है, न्यूक्लियोलस होता है, क्रोमैटिन मटेरियल होता है, वो सारी की सारी चीज़ें इनमें मिसिंग है। सिर्फ एक सिंगल न्यूक्लियोइड है। इट इज़ द जेनेटिक मटीरियल ऑफ बैक्टीरिया, कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड सुपर कॉइल्ड डीएनए, एक ही है, सिंगल है, सर्कुलर है, डबल स्ट्रैंडेड, क्योंकि डीएनए है तो डबल स्ट्रैंडेड होगा, डबल स्ट्रैंडेड सुपर कॉइल्ड डीएनए, इतना ज्यादा कॉइल्ड है कि वो देख लीजिए आपको पूरा का पूरा वही है, बीच में जो रेड कलरेशन ये आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा न्यूक्लियोइड है। ध्यान रहे बच्चों, टर्म्स में कंफ्यूज मत होइएगा, न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियोलस भी नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, ये है न्यूक्लियोइड, जो कि एक सिंगल डबल सर्कुलर क्रोमोसोम है, है ना, डबल स्ट्रैंडेड, डबल का मतलब दो नहीं, डबल स्ट्रैंडेड सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम, राइट। अब बात कर लेते हैं प्लास्मिड। प्लास्मिड एक अनोखी चीज है इनके पास, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, खुद ही वो अपने आप को रेप्लिकेट कर लेता है, सर्कुलर होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड ये भी है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल यानी कि क्रोमोसोम से अलग है, लेकिन कई बार ये अटैच हो सकता है हमारे न्यूक्लियोइड के साथ, यानी कि जो बैक्टीरिया में न्यूक्लियोइड, इफ दे आर टेम्पोररली एसोसिएटेड विथ न्यूक्लियोइड, अगर ये न्यूक्लियोइड के साथ एसोसिएटेड हैं तो इनका नाम पड़ जाता है एपिजोम्स। नाम जरूर याद रखिएगा, एपिजोम्स, जो बायोलॉजिकल डिक्शनरी वाली सीरीज चल रही है, जब उसमें ई अल्फाबेट आएगा तो हम एपिजोम्स के बारे में एक बार फिर पढ़ेंगे। देख लीजिए स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखता है, डबल स्टैंडर्ड, लेकिन ज्यादातर इसको ऐसे ही दिखाया जाता है, ऐसे करके दिखा दिया जाता है कि ये है हमारा प्लास्मिड, है ना, इसको ऐसे सॉलिड कलर में दिखा दिया जाता है, एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर दिखा दिया जाता है, बायोटेक्नोलॉजी में भी हम देखेंगे, लेकिन एक्चुअल में तो ऐसा होता है ना, क्योंकि बैक जो डीएनए है वो तो हेलिकल है, राइट। चलिए फ्लैजेला की बात कर लेते हैं। फ्लैजेला के तीन पार्ट होते हैं, एक होता है बेसल बॉडी, नीचे का जो पोर्शन होता है, एक होता है ऐसा टेढ़ा सा हुक होता है, और होता है फिलामेंट, ये देख लीजिए, समझ में आई बात, बेसल बॉडी, हुक, फिलामेंट, तीनों के तीनों पार्ट याद रखिएगा। नाउ पिलाई एंड फिम्ब्री, पिलाई इज द ट्यूबुलर आउट ग्रोथ, यानी कि बॉडी के बाहर की ग्रोथ है, पिलाई इज हेल्पफुल इन ट्रांसफर ऑफ एफ प्लस फर्टिलिटी फैक्टर, वही फर्टिलिटी फैक्टर है जो कुछ एक्स्ट्रा जीन इनके पास आ गई है, चाहे वो जिस टाइप की जीन हो, ज्यादातर वो रेजिस्टेंस की जीन होती है, केमिकल्स के प्रति रेजिस्टेंट, एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस, उसको एफ प्लस बोलते हैं, जिसके पास वो है वो एफ प्लस, और जिसके पास नहीं है वो एफ माइनस, दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं, एफ प्लस वाला एफ माइनस को वो जीन ट्रांसफर कर देता है, वो भी एफ प्लस, वो भी एफ प्लस, राइट। नाउ फिम्ब्री जो है, फिम्ब्री हेल्प इन अटैचिंग बैक्टीरिया विद अ सॉलिड सरफेस, किसी नदी में बह रहे हैं, नदी के सरफेस में रहते हैं, वाटर करंट्स हैं, तो उसमें अपने आप को बचाने के लिए फिम्ब्री से अटैचमेंट कर लेते हैं, राइट। अब देख लेते हैं भाई न्यूट्रिशन के हिसाब से इनको दो पार्ट में ब्रेक किया गया, ऑटोट्रॉफिक भी हैं और हेटरोट्रॉफिक भी हैं। अगर हम न्यूट्रिशनली बात करें, क्वेश्चन आ चुका है, सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी, न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी कौन से किंगडम में देखने को मिलती है बच्चों, तो वो मोनेरा में ही मिलती है, यानी कि बैक्टीरियाज में, देख लीजिए ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक में भी टाइप है, फोटो ऑटोट्रॉफ हैं और कीमो ऑटोट्रॉफ हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ तो यूज करते हैं सनलाइट को, लेकिन कीमो ऑटोट्रॉफ नहीं यूज करते। अब फोटो ऑटोट्रॉफ में देख लीजिए, यूज लाइट एनर्जी एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते, एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में हाइड्रोजन की जरूरत होती है, हाइड्रोजन आयंस और इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन ही देता है इलेक्ट्रॉन। ये क्या करते हैं, वाटर को ना स्प्लिट करके हाइड्रोजन सल्फाइड को ब्रेक कर देते हैं, वहां से हाइड्रोजन आ गया, वहां से इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते, सल्फर उसमें रिलीज हो जाता है। तो एग्जाम्पल क्लोरोबियम, रोडोस्पिरिलम, ये रहे फोटो ऑटोट्रॉफ। अब बात कर लेते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ की, केमिकल एनर्जी को यूज करते हैं, फोटो
लाइट एनर्जी को नहीं यूज करते, केमिकल की एनर्जी को ब्रेक करते हैं। नाइट्रोबैक्टर नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर नाइट्रोसोमोनास, नाम याद रखिएगा, कीमो ऑटोट्रॉफ है। इसके अलावा पैरासिटिक हैं, कॉज डिजीजेज इन प्लांट एंड एनिमल्स, विब्रियो कॉलेरी पैरासिटिक फॉर्म हो गया। इसके अलावा सेप्रोट्रॉफ्स हैं, जैसे कि डिकॉम्पोजर्स हैं, स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास पुटीडा को सुपर बग का दर्जा दिया गया है, जो पेट्रोलियम ऑयल स्पिल्स में क्या होता है ना, कई बार पानी के जहाज से पेट्रोलियम लीक हो गया तो एक लेयर सी बन जाती है, एक्वाटिक एनिमल्स को बहुत नुकसान होता है। तो एक सुपर बग साइंटिस्ट ने जेनेटिकली इंजीनियर करके बनाया है, वो स्यूडोमोनास जीनस का ही है, स्यूडोमोनास प्यूटीडा, जिसको बोलते हैं सुपर बग, याद रखिएगा बच्चों। अब आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं रिप्रोडक्शन कैसा कैसा होता है। तो रिप्रोडक्शन इनके पास दो तरह का है, ट्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, राइट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तो सिंपल प्रोसेस है, बाइनरी फिशन अंडर फेवरेबल कंडीशन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देख लीजिए ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट, लेकिन फिर भी सेक्सुअल नाम इसलिए दिया गया क्योंकि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो कॉन्जुगेशन अभी बताया था, एफ प्लस और एफ माइनस वाले कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में आपने पढ़ा हुआ है कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो जाता था, डेथ के बाद भी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि इनके बॉडी में से प्लास्मिड निकल के दूसरे के अंदर एंटर कर सकता है और वहां से ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, और ट्रांसडक्शन भी हो जाता है। इन्होंने ये क्या करते हैं, बैक्टीरियोफेजेस को यूज करके, यानी कि वायरस, बैक्टीरियोफेज है वायरस, उसको यूज करके अपना जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में पहुंचा सकते हैं, तो वो ट्रांसडक्शन प्रोसेस हो गया। अब बात कर लेते हैं स्पोरुलेशन की, फॉर्मिंग अ रेस्टिंग स्पोर विद इन अ सर्टेन बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया एक रेस्टिंग स्पोर बनाते हैं, करते क्या है, देखने में लगता है रिप्रोडक्शन टाइप का, लेकिन है वो स्पोरुलेशन। होता क्या है कि एक सेल इनका डिवाइड करता है, देखिए एक सेल डिवाइड करता है, दो पार्ट में डिवाइड कर गया, दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद एक पार्ट जो है वो छोटा हो जाता है और दूसरा पार्ट उसको ऊपर से एनगल्फ कर लेता है, यानी कि एक पूरा का पूरा सेल अंदर आ गया और जो दूसरा वाला सेल था उसने अपने आप को एक कवरिंग स्ट्रक्चर में तब्दील कर दिया और देख लीजिए ये पूरा बना दिया सिस्ट, एक्सोस्पोरियम। अब फेवरेबल कंडीशन जब आएगा तो इसके अंदर से फिर एक सिंगल निकल आएगा, तो भाई बने दो, डिवाइड हुआ लेकिन बचा तो एक ही ना, तो ये रिप्रोडक्शन नहीं है, रेस्टिंग स्टेज है। स्पोरुलेशन, इट मेक्स द सेल रेजिस्टेंट टू अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस प्रोटोप्लास्ट ऑफ बैक्टीरियल सेल प्रोड्यूसेस अ थिक वॉल्ड रेजिस्टेंट स्पोर कॉल्ड एंडोस्पोर, एंडोस्पोर बनता है। द सेल रिगेन्स इट वाइटैलिटी व्हेन कंडीशन बिकम फेवरेबल, जैसे ही नॉर्मल कंडीशन आ जाते हैं। अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हमारे बैक्टीरियाज का, डेयरी इंडस्ट्री में काम आता है, लैक्टोबैसिलस कन्वर्टिंग मिल्क टू कर्ड, इसके अलावा मिल्क टू चीज, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शेरमानी, राइट। देन फर्मेंटेशन, प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, बैक्टीरिया से भी एल्कोहल का प्रोडक्शन होता है, आपने उसका तो नाम सुना ही होगा, ईस्ट का, सैक्रोमाइसिस, लेकिन बैक्टीरिया भी कर सकता है। जाइमोमोनास मोबिलिस फर्मेंटेशन करता है, एल्कोहल का प्रोडक्शन करता है। फार्मास्यूटिकल यूसेज में आ जाते हैं, एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस, स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमोसस, है ना, इसके अलावा स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएला, अलग अलग जो है एंटीबायोटिक, स्ट्रेप्टोमाइसिन टेट्रासाइक्लिन क्लोराम्फेनिकॉल, ये अलग अलग एंटीबायोटिक। इसके अलावा बायो फर्टिलाइजर, मेनी बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एग्जांपल राइजोबियम, जो रूट नोड्यूल्स में पाए जाते हैं और वो रहे एंटीबायोटिक्स। नाउ वेरियस प्लांट डिजीजेस भी करते हैं, सिट्रस कैंकर, ज़ैंथोमोनास सिट्री, ब्लाइट ऑफ राइस, ज़ैंथोमोनास ओराइजे, क्राउन गॉल, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, इसको तो यूज भी किया जाता है, देख लीजिए तीनों के तीनों डायग्राम आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। वेरियस एनिमल डिजीजेस भी कॉज करते हैं बच्चों, टिटेनस, क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी, कॉलेरा, कॉलेरी, इसके अलावा लेप्रोसी, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, इसके अलावा डिप्थीरिया, कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थीरिए, और न्यूमोनिया, डिप्लोकोकस न्यूमोनिया। तो ये रहे बैक्टीरिया के कारनामे। अब बात कर लेते हैं जोकर ऑफ प्लांट किंगडम माइकोप्लाज्मा की, डिस्कवर्ड बाय नोकार्ड एंड रुक्स 1898 में, स्मॉलेस्ट नॉन प्रोकैरियोट, इनको पीपीएलओ भी बोला जाता है, दे लैक अ सेल वॉल नहीं होता, दे कैन चेंज इट शेप बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि सेल वॉल नहीं है तो अपने शेप को चेंज कर सकते हैं। कैसे, फैकल्टेटिव एनरोब, ऑल्सो कॉल्ड पीपीएलओ प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम कैटल सफरिंग फ्रॉम प्लूरो न्यूमोनिया, तभी नाम पड़ गया पीपीएलओ। नाउ कॉज डिजीज इन प्लांट एंड एनिमल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम, तो उस जोकर की शक्ल भी आप देख लीजिए, राइट। बच्चों बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया की, जो कि प्रोकैरियोटिक है,
यूनिसेलुलर या कोलोनियल हो सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं, सराउंडेड बाय ए जिलाटिनस, ऊपर से एक जिलाटिनस वही म्यूसिलेज टाइप की कवरिंग होती है. सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, क्योंकि ये मोनरन्स ही हैं. ऑल मेंबर्स आर ऑटोट्रॉफ, सारे के सारे ऑटोट्रॉफिक हैं, देख लीजिए. नाउ साइनोबैक्टीरिया के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं. कैरेक्टरिस्टिक पिगमेंट आर सी फाइकोसायनिन, सी फाइकोसायनिन ब्लू कलर का होता है, सी फाइकोएरिथ्रिन रेड कलर का होता है. तो ये जो सी फाइकोसायनिन है साइनोबैक्टीरिया में, इसके अलावा आर फाइकोसायनिन और आर जो है फाइकोएरिथ्रिन हम पाते हैं रेड एल्गे में, राइट. तो ये साइनोबैक्टीरिया, इसलिए सी फाइकोसायनिन और सी फाइकोएरिथ्रिन. इसके अलावा बीटा कैरोटीन पाया जाता है और क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है. ये है इनकी सिमिलैरिटी प्लांट किंगडम के साथ, क्योंकि क्लोरोफिल ए की प्रेजेंस है. हेटरोसिस्ट हेल्पिंग इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, इनमें हेटरोसिस्ट पाया जाता है, एक स्पेशलाइज्ड सेल बन जाता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के काम में आता है. और एक होता है एकाइनेट, जो कि रेस्टिंग स्टेज भी बोलते हैं उसको. यूज्ड एज बायोफर्टिलाइजर, नोस्टॉक, ओलोसीरा, एनाबीना, देख लीजिए वाटर बॉडी में दिख जाते हैं, बड़े सारे कॉमन है. रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिशन होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉट नोन. So this is how they are. अब ये आज का लास्ट टॉपिक है एक्टिनोमाइसिटेस. एक्टिनोमाइसिटेस रिसेंबल फंजाई, मैंने पहले ही बताया था फंजाई को रिसेंबल करते हैं बिकॉज ऑफ देयर इलांगेटेड सेल दैट हैज ब्रांच्ड इनटू फिलामेंट और हाइफा. ओरिजिनली रिकॉग्नाइज्ड एज सॉयल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नाउ बीइंग रिकॉग्नाइज्ड दैट मैराइन एक्टिनोमाइसिटेस आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट. ग्राम पॉजिटिव होते हैं बच्चों, ये ग्राम पॉजिटिव माइसेलियल बैक्टीरिया यानी कि फंजाई को रिसेंबल करते हैं. प्रोड्यूसेस अ वाइड वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रियली एंड मेडिसिनली इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स, सबसे ज्यादा यही देते हैं. एंड दे हैव कीमोथेरापेटिक्स, फंजीसाइड का भी काम करते हैं, हर्बिसाइड में भी काम आते हैं, और इम्यूनो सुप्रेसेंट ड्रग्स भी बनते हैं, देख लीजिए. Actinomycetes, this is how they look like. तो आज हमने biological classification में first part में काफ़ी चीज़ें समझ ली और हमने monera complete कर लिया है. अगले session में बाकी के kingdoms के बारे में पढ़ेंगे. Unacademy subscription आप join कर सकते हैं. ये रहा Unacademy subscription different duration के, और code use कर लीजिएगा प्रदीप लाइव, यू विल गेट अ 10% डिस्काउंट. Unacademy JEE, Unacademy Foundation, Unacademy NEET, together let us crack it. और जिन बच्चों ने अब तक सब्सक्राइब बटन को प्रेस नहीं किया है, तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और शेयर कर दीजिए #NEET Live Daily के थ्रू मेरे सेशंस को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, ताकि आपको और बाकी सारे बच्चों को इसके बारे में अपडेट मिलता रहे, पता चलता रहे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. यूज कोड प्रदीप लाइव फॉर ज्वाइनिंग. टेक केयर बच्चों, बाय बाय.